हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। नए साल का मौका है और इसके लिए मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। और इसी ओकेज़न पर मैं आपके लिए एक डेज़र्ट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है गाजर का हलवा। इस गाजर के हलवे में आपको ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट लाई हूँ, जिसे आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नए साल के मौके पर आज हम आपके लिए एक डेज़र्ट लेकर आए हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, गाजर है सामने रखा हुआ। तो हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर गाजर लिया है, 1 किलो के करीब गाजर है। कुछ गाजर को ऑलरेडी मैंने कट कर रखा है, आप देखेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गाजर को लेकर आप अच्छी तरह से पील कर लें, साफ़ कर लिए, जो मैंने कर लिया है। और इसे अच्छे से साफ़ पानी से इसे धो लें 2-3 बार, जिससे इसके अंदर मिट्टी नहीं रहे। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर, इसे हमें घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताऊंगी कि गाजर का हलवा आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इस चॉपिंग बोर्ड का अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे गिफ्ट रैप में पैक किया हुआ है। तो इसे मैं पहले खोलती हूँ। देखेंगे ये कितने अच्छे गिफ्ट पैक में ये पैक किया हुआ है। और इस तरह का ये पैकिंग आएगा। और ये आप देखेंगे एडोर होम्स का है, ये आपके लिए गिफ्ट रहता है। इस तरह का पैक करके देते हैं, आप किसी को भी ये गिफ्ट करना चाहे तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की पैकिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मिलेगा। तो चलिए हम इसे अब स्टार्ट करते हैं खोलना। ये देखिए एडोर होम्स की तरफ से ये बहुत ही अच्छा चॉपिंग बोर्ड है। आप देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है और बहुत इतना स्मूथ है कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं। अगर आपको ये चॉपिंग बोर्ड चाहिए, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या अपने घर में लेना चाहते हैं, तो आप इसे मंथ में किसी भी दिन आप, या मंथ के बीच में अगर आप कर रहे हैं, 15 तारीख को कर रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं दिख रहा आपका प्रोडक्ट एडोर होम्स में, तो वो आपको मंथ के फर्स्ट डे में मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट उस समय अवेलेबल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बीच में आप है ना इसे प्रोडक्ट को है ना लेते हैं और नहीं अवेलेबल दिख रहा है, तो मंथ के फर्स्ट डे में मिल जाएगा ये। तो हमें क्या करना है कि हम इस गाजर को ग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम चॉप करेंगे। तो इसे आप चॉप कर लें, पहले इस तरह 2 कट कर लें और इस तरह इसको कटिंग करते जाएं। बड़ा बड़ा आप काट लें इसको। अब आप देखेंगे ये बहुत ईजिली कट जाता है। तो हमें जब भी इस तरह की कुछ कटिंग करनी होती है तो आप चॉपिंग बोर्ड ही यूज़ करें, तो इससे अच्छा रहता है ये। और ये जिस चॉपिंग बोर्ड पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें और प्लास्टिक के कुछ अगर पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी फूड के अंदर नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे चॉपिंग बोर्ड में ऐसा होता है कि उसके अंदर फूड पार्टिकल्स आपके फूड में चले जाते हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड बहुत स्मूथ भी है। तो इसी तरह आप इस गाजर को, सारे गाजर को कट कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने गाजर को कुकर में डाल दिया है और 1/2 किलो के करीब दूध, इसे फुल फैट क्रीम वाली दूध आप ले लें। और इसे मैंने 1/2 किलो के करीब दूध डाल दिया है, ज़्यादा फुल आप नहीं करें। और इसे बंद करके कुकर को, और इसे हम 2 सीटी लगने तक इसे हम प्रेशर देंगे। मैंने कुकर से 2 सीटी लगने के बाद और इसे कढ़ाई में निकाल लिया है, जिससे ये प्रॉपरली अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इस तरह आप इसे मैश कर लें।
यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ग्रेट करने के झंझट से हटाने के लिए हमने इसे प्रेशर कुकर में डाला है, और वो भी दूध के साथ डाला है, जिससे कि दूध का भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वो टेस्ट दूध और गाजर का मिक्स हो जाए। तो इस तरह आप देखेंगे बिल्कुल ये ग्रेटेड की तरह लग रहा है। तो इसी तरह सबको अच्छी तरह से मैश कर ले, और बहुत ईजिली मैश हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी गाजर बॉयल है। तो इस तरह मैश करने के बाद अब इसे हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा के और इसे अच्छी तरह से घी चीनी डालकर और हलवा बनाएंगे। गाजर को हमने 2 सीटी में बॉयल करने के बाद इसे हम कढ़ाई में निकाल लिए थे, और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए हमने सारा दूध इसके अंदर सोख लिया ये गाजर के अंदर। आप देखिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैंने इसे सुखा दिया इसी के अंदर। अब यहीं पर इसी स्टेज पर हम यहाँ पर चीनी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिया था, तो यहाँ पर हम 250 ग्राम के करीब शक्कर डालते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसे डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये चीनी जब डालते हैं तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, तो ये 5 मिनट और लगेगा इसे भूनने में। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसके अंदर चीनी घुलता है गाजर में तो ये लिक्विड होता जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इसे हम भून लेते हैं। शक्कर को गाजर के अंदर डाल दिया है, और आप देखेंगे थोड़ा सा ये लिक्विड टाइप का हो गया था, सूख गया है। अब यहीं पर हम घी डालते हैं, तो यहाँ पर घी हम 2 चम्मच डाल देते हैं। और हलवे में जब तक घी नहीं हो तो उसका मज़ा नहीं आता है, तो आप इसके अंदर घी डाल दें और इसके बाद इसे भूने, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। और इसके साथ ही इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। हाफ इलायची पाउडर डाल दिया, इसे भी इसे इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं। अब हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। हलवे को कम से कम हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुना है, और आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि ये घी बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि हलवा बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं, बादाम डाल देते हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर आप किशमिश मत डालिएगा। किशमिश डालने से क्या होता है कि ये ज़्यादा दिन तक हलवा आपका चलता नहीं, बट जब आपको खाना हो तब उस समय ऊपर से डाल लें, मगर अभी मिक्स ना करें। ये डालने के बाद ये बिल्कुल भुन गया। अब गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे आप सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गाजर का हलवा इस ठंडे के मौसम में आप ज़रूर बनाएं, और जिस स्टाइल से हमने बनाया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो बिल्कुल आपका भी इसी तरह गाजर का हलवा बनेगा, बिल्कुल इसी के टेस्ट अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।